एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ट्रीट। कोरोना से जंग के लिए भारत में आया एक और हथियार, मरीजों को मिलेगी डीआरडीओ की एंटी कोविड दवाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा 2DG मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि इस एंटी कोविड ड्रग के पहले बैच को लॉन्च करेंगे। कल तक दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में लगभग 10,000 खुराक उपलब्ध हो जाएंगी। डीआरडीओ की एक लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइट साइंसेज द्वारा एंटी कोविड दवा 2-DOX-D-GLUCOSE 2DG को हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डी के साथ मिलकर तैयार किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल के बाद ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में इसे इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए हरी झंडी दी है। ये दवा पानी में घोलकर पीने वाली है। ये एक सैशे में पाउडर फॉर्म में मिलेगी। इसे पानी में घोलकर मरीजों को दिया जा सकता है। दावा है कि ग्लूकोज पर आधारित इस 2DG दवा के सेवन से कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन पर ज्यादा निर्भर नहीं होना पड़ेगा, साथ ही वे जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। ये वायरस से प्रभावित सेल्स में जाकर जम जाती है और वायरस सिंथेसिस व एनर्जी प्रोडक्शन को रोककर वायरस को बढ़ने से रोकती है। डीआरडीओ ने दावा किया है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान जिन कोरोना मरीजों को ये दवाई दी गई थी उनकी RT-PCR रिपोर्ट जल्द नेगेटिव आई है। बताया जा रहा है कि पिछले साल अप्रैल 2020 से इस दवा पर काम चल रहा था। टी कोविड दवा 2DG को लेकर डीआरडीओ का कहना है कि ट्रायल में ये पाया गया है कि कोरोना मरीज 2DG दवा लेने से 2.5 दिन पहले ही सही हो रहे थे, यानी कि SOC के मुकाबले 2DG से किए गए इलाज का अधिक असर दिखा। डीआरडीओ ने बताया है कि इसे बेहद आसानी से उत्पादित किया जा सकता है, इसलिए पूरे देश में 2DG जल्द ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, क्योंकि इसमें बेहद जेनेरिक मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज जैसा ही है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।